नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन नेवी SSR AAMR का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, वो भी पूरा पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और सरकारीRESULT.COM को ओपन करना है। आप सरकारी रिजल्ट नहीं ओपन करना चाहते तो दूसरी वेबसाइट RozgarRESULT.COM ओपन कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट ही टॉप वेबसाइट है, इन दोनों पर आपको सही लिंक सही जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड सेक्शन पर आना है और यहाँ पर लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे, देखिए आपको इसमें कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये देखिए SSR AA का एडमिट कार्ड का ये सीधा लिंक है। दूसरा, आपको एक लॉगिन से भी डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा, आपका मॉक टेस्ट है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको इस पर क्लिक करना है, एक पेज खुलेगा, तो उस पर आप जो है मॉक टेस्ट भी अपना कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके देखिए, इसके दो मोड है। एक मोड है कि आप लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करने का पेज आएगा, उसके बाद जो है आप दोस्तों ये देखिए एक मोड है जिसमें आप अपना ईमेल आईडी फॉर्म भरते हो, तो जो पासवर्ड आपने डाला था इसको डाल के लॉगिन करके अपना स्टेटस के अंदर जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मैं आपको शॉर्टकट प्रोसेस बताता हूँ। दोबारा आपको SarkariRESULT.COM पे जाना है। इसमें देखिए SSR का एडमिट कार्ड, मैं सबसे पहले आपको SSR AA डाउनलोड, इस पर देखिए जो डायरेक्ट वाला लिंक है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये लिंक आपका थोड़ा तेज काम कर रहा है, ये देखिए इसमें आपको हिंदी इंग्लिश किस में डाउनलोड करना है वो डालना है, और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, फॉर्मेट जो है इसमें डैश करके लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे कैप्चा डाल देना है और उसके बाद आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है। मैं अपना फॉर्म नंबर डाल दोस्तों, ये देखिए मैंने अपना डिटेल फिल कर दिया, उसके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। दोस्तों लॉगिन करते हैं, आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। मेरी एग्जाम डेट है 26 फरवरी 2019 Batch 1। यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ फोटो आ जाएगी, यहाँ आपका सिग्नेचर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए रोल नंबर के साथ एक पासवर्ड भी है जो आपको ऑनलाइन एग्जाम देते वक्त जरूरत होगी, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली रखिएगा। चलिए मैं आपको MR को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, फिर वापस हम जो है SarkariRESULT के पेज पर जाएंगे। दोस्तों ये देखिए फिर हम लोग SarkariRESULT के पेज पर आ गए। इस बार हम लोगों ने यहाँ सिलेक्ट किया है MR का एडमिट कार्ड। MR के एडमिट कार्ड पर क्लिक किया, वही प्रोसेस है हिंदी या इंग्लिश, पीछे मैंने इंग्लिश में किया था, इस बार मैं हिंदी में करके दिखाता हूँ आपको। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रहे, अपने डेट ऑफ बर्थ को डैश कर करके डालना है आपको। यहाँ आपको आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और फिर लॉगिन के लिए आपको ये कैप्चा डालना है। दोस्तों ये देखिए मैंने अपना नंबर डाल दिया, मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए MR का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया, इस पर भी पहले की तरह आपका अनुक्रमांक पासवर्ड है। ये देखिए ये एग्जाम मेरा 25 फरवरी को है, Batch 4 है, समय 3:45 है, ये एग्जाम सेंटर है, यहाँ आपकी फोटो और सिग्नेचर आ जाएगी, और ये नीचे हिंदी में इंस्ट्रक्शन लिखा है, आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और परीक्षा समाप्ति का टाइम है, सब कुछ है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपनी एक कलर फोटो चिपकानी है जैसी आपने फॉर्म में लगाई थी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमारे इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।